everyone. Good evening, my dear children, and I'm extremely happy to connect with all of you. दोस्तों आप सब जो यहाँ YouTube पर जुड़ रहे हैं, जो सेशन को देख रहे हैं, I'm here to help you all formulate and strategize something for your BCR subject. दोस्तों PCR पार्ट 2 पेपर 2 के पार्ट B जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है आपके एग्जाम्स का. और कई बार पता है स्टूडेंट से सबसे बड़ी गलती क्या होती है. मेरे पास अब तक न जाने कितने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम BCR तो करके ही नहीं गए थे, BCR तो छोड़ ही दिया था. अब आप सबको पता है, मैं एक छोटी सी बात ये भी बताऊँ, वाई आई टीच BCR. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आपका जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है, आपका डायरेक्ट टैक्सेस आप जो है काम करते हैं, बट देन व्हाई डू यू टीच बिजनेस कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, आप ये क्यों पढ़ाते हैं. बेटा पिछले करीब करीब 1.5 दशक से, यानी कि इट्स बीन 15 years प्लस दैट आई हैव बीन एक्सटेंसिवली वर्किंग विद प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स टू हेल्प देम better their communication skills, to help them improve, develop their communication skills, because this is the area, this is one area where I feel we chartered accountants, we as a fraternity, we as a community lack. कहीं ना कहीं आप देखना जब आप कंपेयर करते हो ना आगे भी करियर में, है ना, करियर ग्राफ्स में, और अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन स्किल्स की, अगर हम बात करें कि जब 4 लोग अगर बैठे हैं किसी फोरम में और आपको इंटरेक्शंस करने हैं, तो अगर हम इन इंटरेक्शंस की बात करें कहीं ना कहीं व्हाट इज द गैप, व्हाट मेक्स यू हेजिटेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स. और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने ये काम करना शुरू किया था और बहुत छोटे लेवल पे ऐसे शुरू किया था, स्टूडेंट्स की हेल्प करने से शुरू किया था, और टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में भी बहुत सारे आए, एंड देन दिस ग्रेजुअली दिस इवॉल्व्ड इन मी एज अ पैशन. तो मैं तो अपने विजन को पूरा करने के लिए मैंने तो जो एक ये मिशन सोचा है अपने लिए कि भाई मैक्सिमम CS स्टूडेंट्स अदर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अटक जाते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स की वजह से. उनको हेल्प करने का मैंने सोचा था, एंड दैट बिकेम माय मिशन. दोस्तों आज आप सब CA फाउंडेशन लेवल पर हैं और आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए तरीके खोज रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, तरीके आप YouTube पे यहीं पर आप खोजने जाओगे ना, आपको हजारों तरीके मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जाने सिग्निफिकेंस क्या है. आप सबसे पहले ये समझे कि BCR क्यों करना है. सिर्फ 40 मार्क्स के लिए नहीं करना है बेटा, आपको ना अपनी लाइफ सुधारने के लिए करना है BCR. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 40 नंबर आज ले लिया कल काम खत्म हो जाएगा. अरे ये तो पूरी लाइफ चलेगा. आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट आज बनोगे कल आप खत्म हो जाओगे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट? अरे भाई ये चीज जुड़ी रहेगी, ये तो आपकी लाइफ का सार बन जाएगा ना भाई. दिस विल वैनिश विथ यू, राइट? तो ये हमको समझना है कि ये ऐसी स्किल है जो आपके जीवन के हर पड़ाव में, हर मुश्किल में, हर एक स्टेज में आपके साथ चलेगी, आपके साथ खड़ी होगी और आपका हाथ पकड़कर आपको खींचेगी किसी भी परेशानी से. एंड मैं आपको बताऊं ये सिर्फ प्रोफेशनल सर्कल में ही नहीं, ये आपके पर्सनल स्फीयर में भी होगा. पर्सनल स्फीयर में भी आप देखें, चाहे आप जिसको भी सक्सेसफुल समझते हो, हूएवर यू थिंक इन योर माइंड दैट ही और शी इज सक्सेसफुल, अगर आप देखें तो वो जरूर एक चीज पजेस करते होंगे, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स, जो इंस्टेंटली आपको किसी के साथ कनेक्ट कर पाता है. समझे? तो आप सोचो कि सिर्फ 40 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अपनी पूरी लाइफ को एक नया रुख देने के लिए पढ़ना है, एक नया मोड़ देने के लिए पढ़ना है. ठीक है, आपको 40 मार्क्स की स्ट्रेटेजी अभी मैं बताने वाली हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और थोड़ा थोड़ा नहीं डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. आज यही प्लान है, और कल से मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्लास से जो ये रिचुअल बना है ना कि मंडे टू फ्राइडे 8 to 10 हम सब महाबलीज, मैं मेरी पूरी टीम के साथ आऊंगी. आपको आपके बाकी टीचर्स ने कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस दिए हैं सब्जेक्ट के, आज मैं भी आपको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर देने वाली हूँ. एक स्ट्रेटेजी हम फिक्स करने वाले हैं, और यूट्यूब क्लासेस में, यूट्यूब के जरिए मैं आप सबके साथ जुड़ी रहूंगी. आपको बेसिक्स पेपर में क्वेश्चंस को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर करना है, मेरा आइडिया ये है कि मैं अब आने वाले समय में मैं लगातार आपके साथ PYQs के जरिए जुड़ी रहूँ. एग्जाम पेपर्स जितने आए हैं अब तक, इंस्टीट्यूट इतने अटेम्प्ट्स ले चुका है, हम बैकवर्ड्स चलेंगे और पेपर्स में आधे आधे आपके लिए हर दिन लेकर के आऊंगी। तो एक वीक में हम अपना एक पेपर जो है बीसीआर का वो हम फिनिश करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड ऑल्सो टू हेल्प यू गेट एक्वेंटेड विथ वेज ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इन द पेपर। समझे, आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी तो आना चाहिए ना, कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए। तो मैम वही तो नहीं आता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी, वो मैं आपको मिलूंगी यहाँ पर यूट्यूब में, और हम मिलके साथ साथ अपनी तैयारी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डिटेल्स चाहिए बेटा तो आप सब मेरी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस आपको मैं बताऊं हर सैटरडे को सुबह 8:30 से 12 मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ठीक है, सारी जो स्पेशल क्लासेस हैं आप सब कहाँ अवेल कर सकते हैं, सारी स्पेशल क्लासेस आपको 8:30 से 12 बजे तक मिल जाएंगी। 8:30 से 12 बजे तक ये सैटरडे मेरा सिर्फ स्पेशल क्लासेस के लिए ही होता है। मॉर्निंग 8:30 AM 12 PM ऑल सैटरडेज एवरी सैटरडे। आओ, मिलो, सीखो, प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। भाई मुझे मालूम है कि जब स्टूडेंट्स का ना जब क्लियर नहीं हो पाते किसी प्रकार से, जब पता है जब मार्क्स नहीं आते, कोई सब्जेक्ट छूटता है तो बेटा कितना दुख होता है। बिकॉज हर बार देखती हूँ ना, ये मैं हर बार देखती हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से पेन आता है। पेरेंट्स रीच आउट करते हैं कई बार कि मैम अब क्या करें, बच्चे ने अगर कोई चीज़ इग्नोर करी या किसी प्रकार का उनका नहीं हो पाया तो अब हम क्या करें। भाई आपको ना आपके लिए सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हमको ना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना कुछ लगा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब हमें ले करके चलना पड़ता है। ठीक है, आप बाहर रह रहे हो, आपको इस समय कोई आपका एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आपके टीचर्स आपके ऊपर टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी है। और अपनी तो है ही भाई, अपने इमोशंस तो हैं ही इन्वॉल्व, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो समझ लो किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर ना समझना। बीसीआर बहुत ईजी पड़ता है। हाँ, मैं आपको बताऊँ ईजी क्यों पड़ता है, ये भी जानो ईजी क्यों पड़ता है। क्योंकि सारी चीज़ें हमने कहीं ना स्कूल में की हुई हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे से अछूते नहीं हैं, अनजाने टॉपिक्स नहीं हैं। हमको करना क्या है, हमको लेवल अप करना है। हमको करना क्या है, वी हैव टू लेवल अप आवर प्रिपरेशन। लेवल अप क्यों करना है, क्योंकि ICAI एक्सपेक्ट करता है, टू सैटिस्फाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ ICAI। समझ में आ रही है, हमको किस लेवल पे लेवल अप करना है। ICAI जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कि हमारा आगे जाकर आपका अल्मा मैटर बन जाएगा, भाई हमारा स्कूल है, हमको इसकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करना है। इस लेवल पर हमें जाना है कि हम एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन सके, हम एक ग्लोबल प्रोफेशनल बन सके, हम एक उम्दा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। ठीक, समझ में आ गई वाली बात। अब देखो एक ओवरव्यू लो आपके CA फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी जब तक पूरी तरह से सिलेबस के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती, सारे चेंजेस हो नहीं जाते, तब तक आप मान लीजिए आपको 40 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। भाई 40 मार्क्स के लिए यहाँ पर ये मैं आपको आपके डिटेल्स अभी देती हूँ। ठीक है, पेपर 2 सेक्शन B ये आपका ना सिलेबस है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक चैप्टर है जिसमें करीब करीब आपसे हर बार 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इधर हो गए। वोकैबुलरी, ग्रामर मिला करके आपसे करीब करीब जो है ना, आपसे करीब करीब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ये 6 to 8 मार्क्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप राइटिंग में होता है 15 मार्क्स के आसपास, 15 मार्क्स के आसपास। ठीक, अब आप सोच के चलो 6 नंबर का ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर करीब करीब आप कह सकते हो 10 मार्क्स, करीब करीब आप कह सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्रहेंशन, नोट मेकिंग, ये शॉर्ट शॉर्ट होता है ना, ये शॉर्ट शॉर्ट 5-5 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, बिजनेस मीटिंग्स हो गई, इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स में मैम क्या होता है, इसमें होता है एजेंडा, MOM लिखने आता है, ये सब आपको मैं बता देती हूँ, सबको बता देती हूँ। आप कई बच्चों को तो कंडीशन ये थी, सिलेबस ही नहीं मालूम था। जब मैंने पूछा कि क्या क्या पढ़ के गए थे, क्वेश्चंस तो सिंपल आए थे, आर्टिकल लिखने को आया था। मैम हमने तो देखा ही नहीं था, हमने तो सिलेबस ही नहीं देखा था, हमने तो सोचा था थोड़ा बहुत करके हो जाएगा। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, पहले प्रॉब्लम बताते हैं फिर यहाँ आती हूँ आपके साथ ना, डिस्कस करती हूँ। प्रॉब्लम्स पता है क्या है, BCR को लेकर के प्रॉब्लम्स क्या है, स्टूडेंट्स आर कैजुअल अबाउट दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ये 40 मार्क्स बोनस है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 40 मार्क्स ये बोनस मार्क्स है, बोनस फॉर एनी स्टूडेंट। आप किसी भी मीडियम से हो, बेसिक्स तो आपको आता है ना। इशू इज ओनली दिस, स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। सम स्टूडेंट्स दे डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग इनफ, कई बच्चे डिसइंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, कई बच्चे डिसइंटरेस्टेड फील करते हैं, ठीक। तो अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आपको इस पर खुद ही वर्क करना है। देखो क्लासेस में आके देखो, मैंने बार बार बोला, कभी आओ, कभी हवेली पे आओ, कभी क्लासेस पे, बीसीआर क्लासेस पे। सुबह होती है 8:30 बजे, किसी भी क्लास में घुस के देखो। आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस क्लास में घुस जाओ, नहीं है स्पेशल क्लास में आ जाओ, अरे यूट्यूब क्लास में आ जाओ। आपको बताएंगे कि लैंग्वेज बोरिंग नहीं होती, लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मजेदार होती है, हम ढेर सारे मजे करते हैं क्लासेस में। आप किसी भी बच्चे से फीडबैक ले लो। आप मेरे क्लास के, आप तो अनअकैडमी पे ही 3 साल हो गए हैं और बच्चे बीसीआर पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और भारी संख्या में पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो ना, आपका टक्कर डायरेक्टली उनसे है जो बीसीआर 6 महीने प्रिपेयर करते। तुम सोचो, योर कॉम्पिटिशन इज टफ ना, कॉम्पिटिशन इज टफ। योर कॉम्पिटिशन इज विथ चिल्ड्रेन who study BCR for like 6 months, 4 to 6 months बच्चे दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आप बिना पढ़े चले गए, तो आपका तो कंपटीशन ही टफ हो गया ना। कंपटीशन इज एट नेक्स्ट लेवल, अंडरस्टूड। अब आपको करना क्या, आप ये समझिए, आपको प्रिपरेशन पे थोड़ा जोर मारना होगा, ठीक है। एक चीज ये देखना, बीसीआर जो है ना, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स लॉ। मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ ताकि तुम सबको ये चीज दिखे और तुम समझ पाओ इसको कि ये डायरेक्टली लॉ को इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली impacts all theory papers। कई बार किसी को ऐसा लगता है, ऐसा हुआ हो कि मैंने अपने हिसाब से तो सही लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। ऐसा कभी लगता है आपको थ्योरी पेपर्स में? जैसे आपका अभी थ्योरी पेपर पेपर 2 है, अकाउंट्स में भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। अगर आप वर्ड्स गलत डालते हैं ना, अगर आप अपना प्रेजेंटेशन जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। ये 40 मार्क्स बीसीआर के हो गए। अब मान के चलो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी डिपेंडेंसी इस पेपर पर है, ठीक है। तो ये ना बहुत जरूरी बात है, कैजुअल नहीं होना है, इग्नोर नहीं करना है, डिसइंटरेस्टेड नहीं होना है। डेडिकेट अ लिटिल टाइम, ट्रीट दिस सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट ट्रीट करोगे तो आप अपने आप इसके लिए टाइम निकालोगे, ठीक है, एज इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट एज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे जाके ना करियर भी तो डेवलप करना है, आगे जाके ब्लॉगिंग सबने करनी है, सोशल मीडिया पे कनेक्ट सबने करना है, इंटरव्यूज सबको फेस करने हैं, ग्रुप डिस्कशन सबको करने हैं। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, यू कांट जस्ट डू अवे विथ बीसीआर, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, ये बहुत सिंपल बातें हैं, शायद कोई बताता नहीं है, ठीक है। मुझे शायद बहुत पैशनेट हूं मैं कि आप सब अच्छा बोले, आप सब अच्छा करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे अब लाइफ में, मतलब अपने से ज्यादा अब मुझे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशंस है एट दिस लेवल, एट दिस जंक्चर। आई थिंक नाउ आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम माई स्टूडेंट्स as compared to what I expect from myself. My expectation from myself is that I am able to give you my best, ठीक है। ये वाली एक चीज हो जाती है, इसलिए शायद बीसीआर को लेकर के, क्योंकि लोगों को लगता है इसमें स्कोप क्या है। कई बार टीचर्स को ऐसा लगता है कि अरे अगर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वी आर पेड बेटर। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा कोई सब्जेक्ट है, भाई वी विल बी पेड बेटर, व्हाई पिक अप दिस सब्जेक्ट। कई बार हमारा एक्सपर्टीज लेवल ही वैसा नहीं होता कि हम इम्पार्ट कर सके लेसन। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और मुझे बहुत मेहनत और मुझे बहुत एक्सपीरियंस जिसमें कहते हैं ना, वो इसमें गया है टू बिल्ड दिस, है ना, टू बिल्ड अ लेवल इन दिस एरिया, ठीक। सो अब चलो, अब अपन देखते हैं सिलेबस, एक्चुअल सिलेबस जो मैं आपको बता रही थी, भाई दिस इज द सिलेबस। अब इसमें ये पूरा एजेंडा एमओएम हो गया, ठीक है। राइटिंग बेसिक्स की अगर हम बात करें, इसमें भी कोई ब्राइट कलर अपन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। राइटिंग बेसिक्स की जब हम बात करते हैं, राइटिंग बेसिक्स विल डिफाइन अ बेस फॉर ऑल योर नेक्स्ट चैप्टर्स। प्रेसी राइटिंग एग्जाम में श्योर शॉट आता है, क्वेश्चन नंबर 8C पक्का पक्का आता है। प्रेसी राइटिंग 5 नंबर का आता ही आता है ना, 5 नंबर का आप देख सकते हो, कई बार आता है, ठीक है, कई बार आता है। और अब फिर मैं आपको बताऊं और आगे मैं आपको बताऊं, देखो भाई, देखो तो आपको सिखाती हूँ ये, हाँ। अब इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में इन जनरल जो है, इन दोनों में कुछ चॉइसेस रहती हैं, ये भी अक्सर पाए जाते हैं एग्जाम पेपर में ये दोनों भी अक्सर पाए जाते हैं। फॉर्मल लेटर आना ही आना है, वन लेटर फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 11C 10C पक्का आता है, ठीक है। ये दोनों में अक्सर चॉइस रहती है। ये दोनों में आपको मेरे पीछे से दिख रहा है क्या, ये शैल आई मूव, ऐसे मूव करूँ या ऐसे मूव करूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है? इफ आई मूव लाइक दिस, आई थिंक परहैप्स यू विल बी एबल टू सी, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, रिज्यूमे राइटिंग, ठीक। रिज्यूमे राइटिंग सिर्फ यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही इंटरमीडिएट क्लियर होता है या फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर होता है, क्या होगा आपको? आप रिज्यूमे बना रहे होगे, आपको अप्लाई करना है आर्टिकलशिप के लिए, आपको अपने आगे की चिंता होने लगी है। आपके पास अगर एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा, आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? रेडी रखना है। हर जगह रिज्यूमे मांगा जाता है, अपना रिज्यूमे खुद लिखो ना, नहीं तो फिर खोजोगे, कोई रिज्यूमे बना दे, हाँ 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले, कोई मेरा रिज्यूमे बना दे। एंड लेट मी टेल यू, कोई आपका रिज्यूमे बना भी देना, आपका रिज्यूमे आपके अंदर घुसा नहीं सकता। व्हेन यू मेक योर ओन रिज्यूमे, यू आर एबल टू प्रेजेंट दैट रिज्यूमे वेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, जब इंटरव्यू होते हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने अपना रिज्यूमे खुद लिखा है ना, तभी आप वो रिज्यूमे जो है वेल प्रेजेंट कर पाते हो। समझे बात को? कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे गए हैं। और अब ये बेसिकली जो नया सिलेबस है ना, उसमें ये हटाने का भी एक ही रीजन है, इसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को इसके लिए ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, उनका प्रैक्टिकल हम इन्वॉल्व करें उनको, और थ्योरी हटा करके उनको हम प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों से एक्वेंटेड कराएं। परहैप्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट सम वे। जब लोग मुझसे पूछते हैं मैम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मुझे सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाना नहीं था, मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे ये सीखें, इनके अंदर ये चीज घुस जाए कि भाई हमको ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करने के हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। ये यू शुड लर्न द एप्लीकेशन ऑफ इट ऑल बिट। इस हर एक चीज का, हर एक चैप्टर का आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। पूरा अप्लाइड है, कुछ भी रिपीट नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द कम्युनिकेशन थ्योरी क्वेश्चंस, कुछ भी रिपीट नहीं होता। कई बार कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी अप्लाइड वर्जन में आते हैं, आपको एक केस दिया जाता है, आप दिमाग अप्लाई करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये आप सबको सीखना और समझना। अब आप देखो कि एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और हमको कैसे हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। भाई देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पेपर 2, ठीक, 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन, नोट मेकिंग, 5-5 नंबर, थोड़ा आवाज मत करो। कॉम्प्रहेंशन एंड नोट मेकिंग जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7A और B ये हो गया। ये 5-5 नंबर के 4 to 5 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स के ये आने ही आने हैं। मेरा प्रीव्यू में शेप्स चेंज कर लेता है अगर मैं नीचे से इसको स्टिक ना करूँ। हाँ, ये 4 to 5 मार्क्स के ये मेरे को आने ही आने हैं, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स, अरे क्या बन रहा है ये? हाँ, 4 to 5 मार्क्स, यस, ठीक। दिस वन ऑल्सो नोट मेकिंग, यूजुअली 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स यूजुअली, ठीक है। सो ये आप समझ लो कि 10 नंबर तो यही निपट गया, 10 नंबर तो यही निपट गया, 4 to 5 मार्क्स। अरे भाई प्रीव्यू, यस, 4 to 5 मार्क्स। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, इनमें से करने होते हैं अपने को any 3 इन एग्जाम्स। दिस हैज बीन द पैटर्न, ठीक। कॉम्प्रहेंशन मैंडेटरी क्वेश्चन है, नोट मेकिंग मैंडेटरी क्वेश्चन है, काफी सिंपल है अगर आपको बनाना आता है तो। कॉम्प्रहेंशन, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, हाउ टू आंसर जानते हैं तो। क्या ये स्कूल लेवल से सेम होता है? नॉट नेसेसरीली। इट मे बी इजी, इट मे बी अ लिटिल टफर। हाउ? हो सकता है कोई केस स्टडी भी आ जाए। आई थी, है ना, जब लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आती है, इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ। जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। केस स्टडी भी आप करके जाइए, सिंपल पैसेजेस भी आप करके जाइए, ठीक है, टैक्टफुल क्वेश्चंस भी आप करके जाइए। नोट मेकिंग, बेटा सिंपल सी बात है, टेक्निक है, ठीक है। अगर आप बोले हम जैसा स्कूल में बनाते थे मैम उसमें मार्क्स मिल जाएंगे क्या? बेटा शायद आप स्कूल में बनाते थे, हर स्कूल का तरीका जो है वो अलग होता है, तो अब आपने स्कूल में क्या बनाया था उससे बेटर होगा कि आप एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग जो है उसको सीख ले, टेक्निक आप लर्न कर ले, उसको आप अप्लाई करें, ठीक है। आपसे जो लेवल ICAI एक्सपेक्ट करती है आप उस हिसाब से अपने आंसर्स नोट मेकिंग के प्रेजेंट करें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अभी क्या होता है, बच्चे मतलब मेरा देखो, मेरा करेक्ट है, मैं मैच कर रहा हूँ टॉपर कॉपी से, मेरा तो सिमिलर है। बेटा सिमिलर और सेम में फर्क होता है, ठीक है। आज तक फाउंडेशन में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, कभी मार्क्स नहीं बढ़े, तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? कैन यू चैलेंज कि जो बच्चे क्लियर किए, जो बच्चों का हो गया है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स जो हैं वो लाए हैं, भाई जिनके 70s में 80s में 90s में मार्क्स आते हैं अगर लॉ बीसीआर में, तो आपको लगता है वो नॉन डिजर्विंग हो सकते हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा है जो कंपेयर आपको करके समझना है कि ये गड़बड़ हुई है। तो बच्चे ना कंपैरिजन में रॉन्ग मोड में चले जाते हैं। एक्चुअली आप रॉन्ग कंपैरिजन में चले जाते हो, बजाय इसके कि आप अपना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देखो। आप देखो कि कहाँ मेरा जो है रह गया, कहाँ मेरा गैप क्रिएट हुआ, कहाँ मुझे गैप फिल करना है। अंडरस्टूड। अब देखिए भाई, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बोला, अब हर एक में कम्युनिकेशन, हर क्वेश्चन का करीब करीब 2 मार्क्स का पार्ट बनता है। तो यू कैन सी 6 मार्क्स का तो पक्का आता है। पहले कई बार ना 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आ रहे। अब कुछ टाइम से 2 मार्क्स के भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व, मैंडेटरी पार्ट ABC होता है और हर एक का पार्ट A आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। 6 नंबर ये हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वोकैबुलरी और ग्रामर है, मिला करके अगर आप देखते हो ना, सेक्शन बी में मल्टीपल सबसेक्शंस होते हैं, जैसे 8B 1 2 3, है ना, वो 1 2 3 के भी और सब सेक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स है, ये ना 5 मार्क्स का करीब करीब फिक्स होता है, ठीक है, और ये करीब करीब 3 मार्क्स का फिक्स होता है। तो आप देखोगे इस तरीके से ना ईच क्वेश्चन बिकम्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक है। ईच क्वेश्चन बिकम्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक। अब ये 10 into 3 करोगे, ये भाई हो गया 30 मार्क्स, 10 into 3 ये हो गया 30, एंड दिस इज 10 मार्क्स, बात हो गई खत्म। 10 मार्क्स ये हो गया 40। अंडरस्टूड एवरीवन। सो ये देखो 40 मार्क्स इसमें स्कोर करना, इसमें आउट ऑफ 40 आप 35 तक इजीली स्कोर कर सकते हैं, इजीली। लेट मी टेल यू, द स्कोर ऑफ 35 इज हाईली डूएबल बाय एवरेज चिल्ड्रन। आई एम सेइंग अबव एवरेज, तो बेटा 40 भी ले आओ। इसमें तो सिंपल आता है पेपर, थोड़ा सा अप्लाइड नॉलेज जिन बच्चों का अच्छा है ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब एक सिंपल सी बात आती है कि मैम हम ये समझ चुके हैं, लेकिन अब हमको आप एक छोटा सा स्ट्रेटेजी जैसा बता दो, आप हमको प्लान जैसा बता दो, ठीक है। अब बेटा प्लान ये है कि देखो, प्लान में आप एक तो ना जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, जो भी, चाहे आप क्लास लो, चाहे आप सेल्फ स्टडीज करो, मैं ये भी नहीं बोलती कि यार बीसीआर के लिए आपको सेल्फ स्टडीज में ही हो जाएगा या आपको क्लासेस ही लेना है, मैं पढ़ाती हूँ आओ, ऐसा नहीं है। देखो भाई, जिन बच्चों की ना लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, जिनका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो खुद भी खींच सकते हैं, है ना। सेल्फ स्टडीज आर एन ऑप्शन ऑलवेज। CA का जो हमारा फ्रेमवर्क है वो ही रिमोट फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडीज ओनली। ये तो बाद में आया कोचिंग क्लासेस, ये वो सारी चीजें। बट ये है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत भी है, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमको और इम्प्रूव करना है, भाई इन स्टूडेंट्स को अगर ये टीचर्स को शामिल कर लेते हैं अपनी जर्नी में, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उससे भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत इजाफा हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, एक मिक्स होना चाहिए। आप अगर क्लासेस ले रहे हो, प्रिपरेशन ले रहे हो, प्लस सेल्फ स्टडीज, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो देखो भाई, एक हो सकता है नो क्लासेस, ठीक है, पूरा सेल्फ स्टडीज डन है, ठीक है। एक है नो क्लासेस, है ना, पूरा सेल्फ स्टडीज, ये डन है, ठीक। अब अगर आप बोलो कि मैं क्लासेस ले रहा हूं और सेल्फ नहीं कर रहा हूं, नॉट डन है, ठीक है। अगर आप बोलो मैं क्लास ले रहा हूं और थोड़ा सा सेल्फ भी कर रहा हूं, दिस इज दी बेस्ट चॉइस। समझो मेरे हिसाब से, आप बार बार पूछो, दिस इज दी बेस्ट चॉइस, ठीक है, दिस इज दी बेस्ट चॉइस यू कैन एवर मेक। थोड़ा क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, एक रूटीन रिदम आपका बन जाए, आप करीब करीब 1 आवर के क्लासेस आप रोज कर लीजिए अपना आराम से, और करीब करीब 30 मिनट्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप आराम से इतना कर लेते हो ना, अगर बहुत है, अगर BCR की प्रैक्टिस एक आध दिन आपकी छूट भी जाती है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो पूरा पेपर 2 का आपको बताती हूँ, पूरा पेपर 2 का अगर आप 1 आवर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपका काम बहुत आराम से चल जाता है, ठीक है, आपका काम बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से चल जाता है। सो दिस इज लाइक अ प्लान. अब कैसे कैसे करना है पूरा क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. बिजनेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आप नोट्स बनाइए, ठीक है. इसमें आपको नोट्स बनाने हैं. वोकैब हैज टू बी यू नो इट्स वोकैबुलरी बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है. मैम वोकैब के नोट्स कैसे, वोकैबुलरी में आप हर दिन वर्ड्स ऐड करते हो, हर दिन. इट्स एन एवरीडे थिंग, इट्स एन एवरीडे थिंग, ठीक है. ये ऐसा होता ही नहीं कि आप आज करो आप कल ना करो, ऐसा नहीं होता है. दिस इज एन एवरीडे थिंग, ठीक. इट नीड्स अप्रोक्सीमेटली 3 months ऑफ consistent work, करीब 3 months of consistent work can help you improve your words. मैम एग्जाम में वर्ड्स आते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आते, हमने तो पहली बार ही सुने हैं, इसलिए क्योंकि आप डेली कंसिस्टेंसी देते ही नहीं हो ना. इसलिए अगर आप कोई चीज रोज रोज सुनोगे तो 1 वर्ड से 10 वर्ड निकलते हैं. वोकैबुलरी में 1 to 10 मल्टीप्लाई होते भाई, वर्ड्स मल्टीप्लाई होते. 1 से आपका बनेगा 10, मान के चलो आप, ये समझ रहे हो. अब वोकैबुलरी ग्रामर इज अगेन अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ग्रामर रोज रोज लिखो, कैसे हो सकता है कि किसी की ग्रामर इंप्रूव ना हो. रोज रोज पढ़ो, कैसे हो सकता है कि किसी की ग्रामर इंप्रूव ना हो. अंडरस्टूड. डेली हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हेल्प्स. डेली हैबिट, स्पोकन चाहिए रिटन चाहिए. बात देखो भैया, ये डेली हैबिट है, डेली. ये एक दिन में नहीं होगा कि आप सोचो कि आज मैंने ग्रामर का लेसन लिया तो आज मैं ग्रामर एक्सपर्ट हूं, ऐसा नहीं होता. इवन एक्सपर्ट्स दे मेक मिस्टेक्स. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट एवरी डे टू डेवलप योर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज नॉट अ वन डे प्लान. वन डे प्लान लैंग्वेज में इज अ मिथ, कंप्लीट मिथ. कोई अगर आपसे कहता है ना 1 दिन में ग्रामर सीख लो, 10 दिन में स्पोकन इंग्लिश, 15 दिन में रिटन इंग्लिश, वो खुला बोल रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ मिथ है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक. आपको सीखना है ये सेल्फ, ये सब ना, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना बेटा, ये आसान नहीं होता. देखो प्रोसेस, कहीं पर भी जहां प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इट विल नॉट बी इजी. लैंग्वेज इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, है ना. लैंग्वेज जो होती है ना, वो एक पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखती है. अगर आप अपनी लैंग्वेज, और लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आपको डेडिकेट करना पड़ता है. बच्चे सोचते हैं कि हम फॉर्मेलिटी करके, थोड़ा छोटा मोटा करके बस एग्जाम क्लियर हो जाए. सिर्फ एग्जाम क्लियर तक का लेवल सोच रहे हो ना, तो फिर आगे की जर्नी जो है वो रफ ही रहती है. फिर प्रॉब्लम ये है, अगर आप अपना बेस बना के आगे बढ़ते हैं, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है. शायद मुझे मेरी जर्नी में बहुत हेल्प हुई है, ठीक है. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. ये अपन आज का रखते हैं. मैं आपको ये बताऊं कि कल से हम करने क्या वाले हैं. तो लेट मी टेल यू कि कल से हम लोग बीसीआर में क्या करेंगे पता है. बीसीआर में हम करेंगे ये पीवाईक्यूज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अपन, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हम पीवाईक्यूज रखेंगे कल से. मैं आपको जब मिलूंगी यहाँ पर क्लासेस में, तो हम पीवाईक्यूज जो है अपने, इसको कलर चेंज कर लिया जाए भाई वरना फिर से वो दिखाई नहीं देगा, तो हम यहाँ पर पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है. वीक में हम वीकली 1 पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे. हम जब भी अपना बैठेंगे तो हम लोग 1 पीवाईक्यू उठाएंगे और उसको हाफ हाफ, एक दिन हम उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. एक दिन पूरा ग्रामर और ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक दिन राइटिंग करेंगे, एक दिन राइटिंग सेक्शन हम करेंगे उसका, और एक दिन हम उसका अदर सेक्शन करेंगे. आपको पूरा बताएंगे कि एग्जाम में कैसे जो है प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस लेवल पे होनी चाहिए, और आपको कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट फॉर बेस्ट स्कोर्स, ठीक है. तो आई थिंक ये वाली चीज़ सबको क्लियर हो गई है, और उम्मीद यही है कि आप लोग सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे ताकि आपके ओवरऑल स्कोर बढ़ सके. देखो 35 मिल गया ना, तो 70 तो कहीं नहीं गया. 70 लाइक प्रिपरेशन बच्चों के आते नहीं ना, 38 39 पे फेल होते, इतना खराब लगता है वो चीज़. 70 आ गया, 20 मार्क्स का बफर भी तो पड़ गया यार. 50 आप मान लो, 50% पासिंग है ना, 40 नहीं 50 मानो, हाँ 20 फिर भी बफर है आपके पास. अब बफर के बजाय हम उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पढ़ के ही नहीं जाते. क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? आप मैथ्स में देते हो 3-3 घंटे, आप अकाउंट्स में देते हो 4-4 घंटे, आप इको बीसी के दे सकते हो 2 घंटे, लेकिन आप लॉ भी पढ़ लेते हैं बच्चे की, चलो हम लॉ पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, जबकि उसमें कोई पता नहीं कि नया सब्जेक्ट हो रहा है. बीसीआर आपको आता है, आप लोग फिर भी नहीं करते, छोड़ के चले जाते हो एग्जाम में. थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें जगाना है, थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस भी समझना है, दूसरे पेपर्स को इम्पैक्ट करेगा ये भी समझना है. एंड आई विल बी विथ यू टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू इन योर जर्नी. गाइज एंड गर्ल्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव आवर बेस्ट, एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू विल बी able to rock the exams. Each one of you will be able to clear this with flying colors. Let's connect. कल से मिलते हैं और PYQs की तैयारी हम शुरू करते हैं. Take care everyone. God bless you and I'll see you tomorrow. Bye bye.